आश्वासन हर सरकार देती है, लेकिन जब सत्ता पे आ जाती है हमारे वोट लेकर के तो गौ माता के कत्ल को बढ़ावा देती है। यहाँ तक कि गौ हत्यारी कंपनियों से, गौ का मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेती। अभी हम देश के सभी प्रदेशों में जाकर के वहाँ गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करके गौ माता की जो चर्चा है उसको आरंभ कर रहे हैं। फिर इनकी जगह वो लोग लेंगे जो गौ माता को माता के रूप में स्वीकार करते हैं। भाई सनातन धर्म पर हमला ही तो है कि गाय को काटा जाना। आजादी के पहले से देश के करोड़ों करोड़ गौ प्रेमी, जिनमें केवल हिंदू नहीं है, मुस्लिम और क्रिश्चियन भी हैं, जो चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, और पाली से प्रेम जी मांग कर रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। लेकिन भारत में 78 साल का स्वराज्य स्थापित होने के बाद भी वही सरकार आश्वासन हर सरकार देती है, लेकिन जब सत्ता पे आ जाती है हमारे वोट लेकर के तो गौ माता के कत्ल को बढ़ावा देती है, उनके लाइसेंस बढ़ाती है, कत्ल खाने बढ़ाती है, उनको सब्सिडी देती है, मशीनें आधुनिक बनाती है। यहाँ तक कि गौ हत्यारी कंपनियों से, गौ का मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेती है, और ये चलता ही चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में गाय अब समाप्त होने के कगार पर है। ऐसे में एक ही रास्ता हम लोगों के सामने है, या तो अब करें या तो मरें। तो इसलिए अंतिम दृढ़ संकल्प लेकर के अब हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम देश के सभी प्रदेशों में जाकर के वहाँ गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करके गौ माता की जो चर्चा है उसको आरंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ेगी और वो समय आएगा या तो ये सरकारें अपने अंदर सुधार ला करके देश की बहुसंख्यक जनता की भावना को सम्मान देते हुए गाय को माँ का सम्मान देंगी, और या तो फिर इनकी जगह वो लोग लेंगे जो गौ माता को माता के रूप में स्वीकार करते हैं। तारानगर से राकेश शर्मा, सुजानगढ़ से बबलू जी, उदयपुर वाटी से मीती, पिलानी से अजीत जी, झुंझुनू से राजेश जी। भाई सनातन धर्म पर हमला ही तो है कि गाय को काटा जाना। नवलगढ़ से जिस धर्म में गाय की पूजा होती है, जिस धर्म के लोग गाय को माता कहते हैं, उसको काटना, उसके काट कट के टुकड़े बनाना, टुकड़े बना करके उसको बेचना, ये सनातन धर्म पे हमला नहीं है तो और क्या है? तो ये हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर, इसीलिए इन हमलों से बचने के लिए हम लोग अब खड़े हो रहे हैं। शाहपुरा से पवन कुमार जी, विराटनगर से विष्णु जी, हमने कहा है बकपो बोर्ड वालों से कि आपके पास बहुत सारी जमीन हो गई है, संभाल नहीं पा रहे हो, कब्जा कर लेने मात्र से नहीं होता है, तो आप गायों के लिए जो चरने की भूमि थी वो आजकल कम हो गई है, गाय को सड़क पे चरना पड़ रहा है, तो इसलिए वक्फ बोर्ड के पास जो अतिरिक्त भूमि है वो गाय को चरने के लिए दे, क्योंकि गाय हिंदू मुसलमान का भेद नहीं रखती है, और अगर गौचर भूमि के रूप में वक्फ बोर्ड गाय के भूमि देता है तो उनके ऊपर जो चीजें आ रही हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी।